कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और आज वेदर बहुत अच्छा है। तो ये है हमारी बालकनी से बाहर का व्यू, ये सामने वाली सोसाइटी यहाँ से दिखती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप आज का ब्लॉग इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बना रही हूँ मसूर दाल कोफ्ता करी। तो उसके लिए मैंने 1 बोल मसूर की दाल ली है और यहाँ पर मैं इसको 4 to 5 आवर्स के लिए वाटर में सोक करने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल में पानी डाल दिया है और इसको मैं 4 to 5 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी, इनको ग्राइंड करूँगी और उसके बाद कोफ्ते बनाऊँगी। तो 4 to 5 आवर्स सोक करने के बाद मैंने मसूर की दाल को ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया है, बिना पानी के ही इसको ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता काट रही हूँ और फिर इसमें हम मसाला मिक्स करके इनके छोटे छोटे पकौड़े बना लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। तो जो मसूर की दाल मैंने ग्राइंड कर ली थी, इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जो धनिया पत्ती मैंने कट की है उसमें से आधी इसमें मिक्स कर दी है। तो अब इसके हम पकौड़े बना लेते हैं और आधी जो धनिया पत्ती बची है वो सब्जी बनने के बाद ऊपर से डालूंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और फटाफट से इनके पकौड़े तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है और इसके छोटे छोटे पकौड़े मैं इसमें डाल रही हूँ और सभी जो मैंने बैटर तैयार किया है, जो मसूर की दाल पीसी है और उसमें जो मसाला मिक्स किया है, तो उन सभी के हम छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। इनको हम ऑयल गरम करने के बाद लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो सारे पकौड़े हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने मसूर की दाल के सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इनकी सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 अनियन लिए हैं छोटे साइज़ के और जिंजर का पीस लिया है। यहाँ पे गार्लिक मैंने क्लीन करके रख लिया है और 2 टमेटोज़ लिए हैं, 2 ग्रीन चिली ली है। तो ग्रीन चिली, जिंजर, अनियन और गार्लिक मैं एक साथ पीस लूँगी और टमेटो को मैं अलग से उसका पेस्ट बनाकर रखूँगी। तो यहाँ पे अगेन मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है और मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं यहाँ पर डालूँगी बे लीफ, दालचीनी और 10 टू 12 काली मिर्च। तो इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उनके फ्राई होने के बाद मैंने अनियन, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था, तो वो सब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे क्योंकि जितना अच्छे से ग्रेवी भुनेगी उतनी ही टेस्ट में सब्जी अच्छी बनती है। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे पहले। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और इस पॉइंट पर अब हम यहाँ पर टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो टोमेटो प्यूरी रेडी की है वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। 2 से 3 मिनट टमाटर को पकने के बाद हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सभी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे। जितना भी आप सॉल्ट खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करें और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देन अब मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 to 3 स्पून वाटर भी ऐड किया है और इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसको हम अब ढककर लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मसालों से अच्छे से ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक हम इनको पकाएंगे। यहाँ पर मसालों से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे जितनी कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है ग्रेवी की। बट फ्रेंड्स, इसमें वाटर ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि जो पकौड़े हैं वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे। और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने लगे तो इस पॉइंट पर अब हम जो हमने पकौड़े बनाकर तैयार किए थे वो अब इस ग्रेवी में हम ऐड कर देंगे। तो अगेन हम ग्रेवी के साथ सब्जी को 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे कि कोफ्तों में अच्छे से ग्रेवी एब्सॉर्ब हो जाए। बस यहाँ पर ये सब्जी तैयार है
और ये सब्जी राइस और रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो मसूर की दाल की पकौड़ों वाली सब्जी आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यम्मी लगती है खाने में। तो यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है और लास्ट में यहाँ पर धनिया पत्ता हम ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पर सब्जी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनैव और काव्या खेल रहे हैं। पुश फॉरवर्ड। हाय काव्या, व्हाट यू डूइंग? तो अभी अनैब के फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो अनैब वहीं जा रहा है। रेडी हो, शैतानी नहीं करना। केक कटिंग हो जाए तो उनको बता देना, कॉल कर देना। कौन है? सुवेंच। वो सुवेंच। अभी जब केक कटिंग हो जाए तो उनको कॉल कर देना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। सुवेंच। केक कटिंग हो जाए तो उन्हें कॉल कर देना। हाँ, एक बार पीछे वाला बच्चा उनको सूर्या जैसे लग रहा था। हेलो यार, सूर्या से नहीं। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई दिस व्लॉग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय फ्रेंड्स।